लखनऊ कृष्णा नगर एसीपी का बयान। मृतक नैंसी के परिजनों ने सरोजनी नगर थाने में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल द्वारा नैंसी को बेहला फुसला कर लिए जाने के मामले में आज होटल स्टाफ से पुलिस को सूचना मिली कि दो प्रेमी युगल की मूवमेंट होटल के कमरे में मौत हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों की शिनाख्त परिजनों ने की। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, शवों को पीएम के लिए भेज रहे हैं। राहुल का शव फंदे से लटका था और नैंसी बेड पर मृत अवस्था में थी। पीएम रिपोर्ट आने और फॉरेंसिक जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। हम परिजनों से भी पूछताछ कर रहे हैं। दोनों लोग पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। आप पूछ लीजिए। सर, दोनों जो है बालिग है, राइट, 21 की एज है, तो हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मींस अकॉर्डिंग टू द रूल्स और लॉ वो रह सकते हैं एक साथ। नहीं, लोकल आईडी थी इसके ऊपर सवाल। कितने टाइम समय से थे यहां पे? जो सुप्रीम कोर्ट इधर देखिए, इधर देखिए, वो कितने समय से थे? हां जी, कितने समय? कल 1 बजे दोपहर में जो है 1 बजे अप्रॉक्स उनकी चेक इन हुई है। आज जानकारी कैसे क्या हुई, कैसे पता चला? आज जानकारी, जैसे हमारा चेकआउट टाइम 12 बजे का रहता है, तो भाई 12 बजे हमने उनके मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए कॉल किया, तो कई मरतबा गेस्ट नहीं होता, पहले दैट इज नॉर्मल। 12 बजे चेकआउट टाइमिंग के लिए चेकआउट के लिए कॉल किया गया, नहीं उठा। रिंग नॉक, जो हमारा हाउसकीपिंग सर्विस टीम है, रिंग और नॉक किया गया, वो भी नहीं उठा। तो फिर हमने जो है पुलिस 112 पे कॉल किया, पास के थाने में कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा संदिग्ध है। प्लस उनके मामा जी आए हुए थे, मामा जी ने भी कुछ बताया कि ऐसे दो बच्चे हैं जो मिसिंग है। तो फिर हमने जो है पुलिस को कॉल करके फिर उनके सामने दरवाज़ा वगैरह ओपन किया। किसके मामा थे? कैसी पोजीशन? लड़के के मामा। दरवाज़ा खुला किस पुलिस में है? जो जी एक्साइज ड्यूटी में, शायद एक्साइज में। किस पोजीशन में थे दोनों भैया? पोर्शन देखिए, वो तो सर पुलिस वाले ही बता सकते हैं, मैं अंदर रूम, नहीं हूँ। आप लोगों ने जाके कुछ देखा था क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। हाँ। तो भी वेरी क्लियर, मेरा सिर्फ काम था रूम ओपन करके, फिर आगे पुलिस वाले। जानकारी क्या मिली अभी तक आपको? अभी तक क्या पता? ऐसा कुछ भी कोई तरह की बहस नहीं, कुछ भी नहीं था। आ चुके हैं, 1-2 मरतबा आ चुके हैं। हैप्पी एक्चुअली, कल हमारे सर्विस स्टाफ ने जो सर्विस वगैरह की है, दे आर हैप्पी, राइट। और हमारे रेगुलर गेस्ट बहुत सारे हैं, हमें गेस्ट से पता रहता है कौन से गेस्ट कैसे हैं, दे आर गुड। तो हमें ऐसी कोई और कोई आवाज़ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को खाना वाना कितने बजे खाया गया? अप्रॉक्स 4 बजे इनका ऑर्डर लगा था शाम का। हाँ, उसके बाद से किसी ने कोई बातचीत नहीं? कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डर। आपने लोकल आईडी एड्रेस पर लगाई सर, आईडी लगाई, ये क्या मानकों के अनुसार है? जी, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम लॉ यू कैन प्रोवाइड द रूम अबव 18। आप अपना पर्चे बता दीजिए। आप अपना पर्चे बता दीजिए। मैनेजर हसन नाम है मेरा, मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ होटल में। ओके, थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले थाना कृष्णा नगर को सूचित किया गया कि होटल मोमेंटम में दो लोग रुके हुए थे, नैंसी और राहुल, दो लोग रुके हुए थे जिन्हें आज 12 बजे चेकआउट करना था। चेकआउट न करने पर के स्टाफ द्वारा सर्वेक्ट किया गया कि क्यों लोग खोल नहीं रहे दरवाज़ा। जब इन्होंने की रिंग बजाई तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिस पर उन्होंने खोल के अपने मास्टर कार्ड से देखा तो 2 यहाँ डेडबॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना कृष्णा नगर को दी गई। इनकी इस सूचना पर स्थानीय थाना द्वारा और पास के थाने के द्वारा एक इंक्वायरी की जा रही है। दोनों में फील्ड यूनिट बुला लिया गया है, फील्ड यूनिट आवश्यक उसमें सूचना इकट्ठा कर रहा है, स्वयं इकट्ठा कर रहा है और जो भी कमरे की स्थिति है। अभी प्रथम दृष्टा देखने में लग रहा है कि एक ने फांसी लगाई है, एक डेबाड़ी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, बाकी सारी कार्रवाई की जा रही है। ये कल शाम को चेकिंग किए थे लोग, कहाँ के रहने वाले? एक थाना सरोजनी नगर के रहने वाले, एक कृष्णा नगर के। राहुल चौधरी जो है वो कृष्णा नगर, अभी इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है क्या पहले कोई कंप्लेंट है या नहीं। कैसी कंप्लेंट की बात आप कर रहे हैं? गुमशुदगी इनकी कल रात में इनके परिवारजन द्वारा, लड़की के परिवारजन द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की इसी लड़के को जो आज फांसी लगाया है, इसी लड़के के साथ 2-4 साल से संबंध में रहे हैं और बाला फुसला कर मेरी लड़की कहीं ले गया है। रात में इन्होंने जानकारी दी, रात में इनके विषय में FIR पंजीकृत किया गया था। आज सुबह जब सूचना मिली है तो परिवारजन को इस विषय में अवगत भी कराया गया। क्या लड़के की तरफ से FIR? लड़के की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। अभी तक की जानकारी क्या लग? अभी तक तो प्रथम दृष्टया देखने में एक फांसी से लटका हुआ सुसाइडी लग रहा है।